छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव में गुटबाजी स्पष्ट नजर आने के बावजूद भी दावेदार इनकार करते हुए इसे पार्टी की रणनीति बताकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में 12 मई से 12 जून के बीच युवा कांग्रेस के चुनाव होने हैं। पद हासिल करने के लिए दावेदार 44 डिग्री तापमान में युवा वोटरों से संपर्क साधने के लिए पसीना बहा रहे हैं। चुनाव पूरी तरह डिजिटल होगा। जो युवा पहले पार्टी के डिजिटल सदस्य बनेंगे वही चुनाव में वोट डाल पाएंगे। युवा इसे 2023 के विधानसभा चुनाव की ट्रेनिंग बता रहे हैं। युवा घर से निकले और आम कार्यकर्ता जो है, आम घर का युवा है, वो यूथ कांग्रेस अधिकारी बने। इस चुनाव के माध्यम से ऐसा चुनाव है, इसको ये बोला था कि चुनाव में किसी की हार नहीं होती है। कोई अध्यक्ष बनते हैं, कोई बाध्यमान को महासचिव बनता है, और हमें एक ऐसी टीम तैयार मिलती है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें तत्परता से कांग्रेस पार्टी की वापसी के लिए एक फौज बन रही है। जो ब्लॉक स्तर में, पंचायत स्तर में हमारे यूथ कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, आज 44 डिग्री तापमान में लोग घूम रहे हैं और पंचायत लेवल में संपर्क कर रहे हैं और युवाओं से जुड़ रहे हैं। ऐसी प्रणाली है जहां पर केवल जो मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम है, 18-35 साल के युवाओं को हम जोड़ रहे हैं। और ये कदम, ये सदस्यता अभियान है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और 23 की भूमिका हमने अभी से बनाना चालू कर दी है और 23 का चुनाव हम जीत रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी भूमिका यूथ कांग्रेस की रहेगी, जिसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। चुनाव में गुटबाजी खुलकर नजर आ रही है। बात प्रदेश स्तर की हो या जिला स्तर की या फिर विधानसभा स्तर की, एक एक पद के लिए कई कई दावेदार हैं, मगर कोई भी दावेदार गुटबाजी होने की बात बोलने को तैयार नहीं है। किस तरह के फायदे हैं? निश्चित ही इस चुनाव से हमें फायदे होंगे। आगामी 2023 के जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा, उसके लिए हम परिपक्व होने जा रहे हैं। हमारे जो यूथ कांग्रेस पार्टी के जो योद्धा है वो निश्चित ही यहाँ पे तैयार हो जाएंगे कि हमें किस तरह से, हमें एक एडवांटेज मिल रहा है कि हमें 2023 से पहले किस तरह से हमें चुनाव लड़ना है। और दूसरी बात यह होगा कि हमें हमारे संगठन को ज्यादा मजबूती मिलेगी और हमारे जो संख्या बल है उसमें भी इजाफा होगा। सदस्यता अभियान भी चल रहा है? जी हाँ, सदस्यता अभियान भी चल रही है, क्योंकि चुनाव का मकसद दो है। एक तो हमें तैयारी करनी है 2023 के लिए, और दूसरा हमें हमारी जो सदस्यता अभियान के अनुरूप हमें अपनी सदस्यता की जो टारगेट पूरी करनी है। ये जो चुनाव है, कहीं ना कहीं हम प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिर्फ आकाश व्याकल हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे 3-4-5 कैंडिडेट भी है, लेकिन ये हमारी कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि किसी को निखरने का मौका देती है। और कहीं ना कहीं जिला के जिला अध्यक्ष के 3-4 दावेदार, हाँ 3-4 दावेदार, लेकिन इसमें चीज है कि सभी आए हैं और यही हमारी कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि सब एक साथ मिल के लड़ रहे हैं, और अब कोई हारता नहीं है, तो सभी जीतते हैं। ये बात है, कोई ऊंचे पदों में जाता है और कोई उससे थोड़े से नीचे पदों में आ जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ किसी विरोधी से नहीं, अपने अपने लोगों से ही हमको चुनाव है, और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हमें विपक्ष दल से लड़ना है, उसकी तैयारी होगी, उसकी तैयारी हमें इस चुनाव में होंगे, हमें जो उसकी तैयारी के लिए ठीक मिल रही है। प्रदेश में 6 साल बाद युवा कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं। युवा में चुनाव को लेकर जोश तो देखने को मिल रहा है, मगर चुनावी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण उन्हें भारी दौड़ धूप भी करनी पड़ रही है। गरियाबंद से जय विलास शर्मा की रिपोर्ट।